ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी द्वारा स्वयं ब्लेस किए गए चैनल गुरु जी टुडे ब्लेसिंग्स में आपका स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाले बड़े मंदिर वाले प्यारे से गुरु जी के सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुंच सके। अपना सत्संग गुरु जी के प्यारे से चैनल पर अपलोड करवाने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो किसी भी फॉर्मेट में हमें भेज सकते हैं। जय गुरु जी। आज का सत्संग संगत जी बहुत ब्लेस सत्संग है और इस सत्संग के अंदर ना आपको ये भी समझ में आएगा कि गुरु जी की असली संगत कैसे होती है। बहुत प्यारा सत्संग है और सत्संग हमारे साथ शेयर किया मुंबई से ज्योति आंटी जी ने। हाँ जी, मुंबई से ज्योति आंटी जी ने सत्संग हमारे साथ शेयर किया। मैं दिल से उनका शुक्राना करता हूँ कि उन्होंने गुरु जी से आज्ञा लेकर गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर अपना सत्संग शेयर किया। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मैं मुंबई से हूँ। मैं अपना सत्संग आपके आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। जब से गुरुजी से जुड़ी हो तब से मेरे लाइफ में रोज ही सत्संग होते, लेकिन मैं आज का सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मैं आज पहली बार मेरा अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। अगर कुछ गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना गुरुजी, माफ़ कर देना संगत जी। मेरे घर में फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही ख़राब हुई थी। घर का रेंट, बच्ची की पढ़ाई का खर्चा, लोन लिया था उसका EMI, सब टेंशन था। एक्चुअली मेरे घर पे हम तीन जन हैं, मैं, मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड। दोनों भी हम लोग जॉब पे है, लेकिन प्राइवेट जॉब पे है। इतना पेमेंट नहीं है, पहले तो आराम से चलता था, लेकिन जब से बेटी की स्कूल पढ़ाई का खर्चा पड़ा है तब से हमारा प्रॉब्लम चालू हो गया। मतलब इतना फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब था कि खाना भी नहीं बन पाता था घर पे, लेकिन मेरे गुरुजी मेरे साथ थे। ऐसी कंडीशन में गुरुजी ने हमें एक दिन भी भूखा सोने नहीं दिया। किसी न किसी रूप में आके हमें मदद ज़रूर करते थे। संगत जी, मैं थोड़ा सा गुरुजी के बर्थडे वाला सत्संग एक शेयर करना चाहती हूँ। गुरुजी 7 जुलाई को गुरुजी का बर्थडे था, तभी मैं घर पे कड़ा प्रसाद का भोग लगाना चाहती थी, लेकिन मेरे घर पे कुछ भी नहीं था, खाली थोड़ा सा आटा था। फिर ये सोच रही थी कि कैसे बनाऊँ करके। फिर मैंने चेक किया कि कुछ मेरे पर्स में मिलता है क्या, तो मुझे 100 रुपये मिले। 100 रुपये से मैंने मेरे हस्बैंड को घी लाने के लिए बोला और मैंने वो कड़ा प्रसाद बनाया। मुझे थोड़ा टेंशन था कि कैसा बना होगा, पता नहीं, सब थोड़े थोड़े चीज़ में ही बनाए, लेकिन मेरे गुरु जी की इतनी कृपा है कि इतना टेस्टी बना वो कड़ा प्रसाद कि मैंने गुरु जी को भोग लगाया और हम सबने वो प्रसाद खाया। फिर उसी दिन मेरी सिस्टर ने बोला कि हम गुरु जी के मुंबई मंदिर जा रहे हैं, तो हम भी उसके साथ जाने निकले। सच बताओ संगत जी, उस दिन मेरे घर पे कुछ भी खाना नहीं था। मैं और मेरी बच्ची, मेरे बहन भाई और पापा के साथ गए। हस्बैंड नहीं आए थे, वो घर पे ही थे, लेकिन उस दिन घर पे कुछ भी नहीं था खाने के लिए। जैसे हम मंदिर पहुँचे, बहुत आराम से पहुँचे, बहुत भीड़ थी, लेकिन गुरु जी का इतना अच्छा दर्शन हुआ, एकदम अच्छा दर्शन हुआ गुरु जी का। और पहली बात तो गुरु जी ने उधर जाने के बाद इतना खिलाया हमें,
मुझे मुझे तो लड्डू इतने खिलाए कि पूछो ही मत। वो सब देख के मेरे आंखों में आंसू ही आने लगे। मैं बहुत रोई उधर कि गुरुजी हमारे मन की बात कितना जानते हैं, हमारे घर पे क्या है क्या नहीं, वो कितने ये सब बातें कैसे जानते हैं। उन्होंने हमें इतना खिलाया, फिर उधर से आने के लिए हमें थोड़ा लेट हुआ, रात हो गई। रात उस दिन भीड़ ज़्यादा था, इसके लिए सेवादार लंगर प्रसाद पैक करके दे रहे थे घर पे, तो मुझे और मेरी बेटी में एक ही प्लेट मिला। वो लोग वो हम लेके घर पे आए और हम तीनों ने वो मील बांट के खाया और सो गए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और मैं अभी कल का मंडे का शुक्र सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। एक्चुअली मेरे हस्बैंड ने 2011 में एक उनके दोस्त को पैसा दिया था, तभी से उन्होंने मांगा भी नहीं था उसके पास से, क्योंकि कुछ ज़रूरत ही नहीं थी। लेकिन हमारी अभी कंडीशन बहुत ही ख़राब थी, खाने के लिए भी घर पे नहीं था। इसके लिए उन्होंने जनवरी महीने में उसे मांगा, लेकिन वो दे नहीं रहा था। उसने बोला आज दूंगा कल दूंगा, फिर बोला जुलाई में दूंगा। फिर संडे को मेरे हस्बैंड उसको मिल के भी आए, लेकिन वो मिला नहीं। हम लोग बहुत टेंशन में थे, अगर नहीं मिला तो क्या होगा, क्योंकि मेरा एक EMI भी था और घर पे भी कुछ नहीं था। अगर वो कुछ दे देता तो मेरा EMI भी कट हो जाता और थोड़ा कुछ बहुत घर पे ही लाती थी। फिर मंडे को उसका सुबह ही कॉल आया, मैं सुबह उठ के मंत्र जाप लगाती हूँ मोबाइल पे, तो मंत्र जाप हम लोग सुन ही रहे थे, तभी सुबह उसका फोन आया और उसने बोला कि मैं अभी ऑनलाइन आपका पैसा भेज रहा हूँ करके। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। एक्चुअली मैं फर्स्ट टाइम सत्संग शेयर कर रही हूँ, मुझे शेयर करना नहीं आता, माफ़ी चाहती हूँ गुरुजी, माफ़ी चाहती हूँ संगत जी, कुछ गलती हो जाए तो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अपना सत्संग यहीं पे विराम करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।